हेलो गाइस, माय टॉपसी टर्वी लैंड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलती हूँ नेपाल की एक ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ सिर्फ आपको सुकून ही मिलेगा। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं कन्याम, जो कि नेपाल के इलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो एक हिल स्टेशन है। तो हम मधुबनी बिहार से निकले थे कन्याम के लिए। यहाँ से कन्याम 273 किलोमीटर दूरी पे है। दोस्तों, अगर आप बिहार के मधुबनी साइड से नेपाल जा रहे हैं तो रास्ते में एक टोल पड़ेगा, जिसका आपको 260 और अगर आपके पास फास्ट ट्रैक है तो 130 रुपए देने पड़ेंगे फोर व्हीलर के। ये आप देख सकते हो कोसी रिवर, जो किसी बीच से कम नहीं दिख रही। दोस्तों, मधुबनी से 115 किलोमीटर दूर आने पर कोसी बराज जगह, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर है। यहाँ आपको भंसार बनवाने पड़ेंगे, जितने दिन आप नेपाल में रुकेंगे उतने दिनों के लिए। एक दिन में 500 नेपाली और 300 इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे फोर व्हीलर के, और टू व्हीलर के 100 रुपीस नेपाली और इंडियन 60 रुपीस देने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको इस कोसी बराज के पुल पे आना नहीं है। हम गलती से इस पुल पे आ गए थे बिना भंसार बनवाए, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई थी। एक और ज़रूरी बात, आप पैसे नेपाली यहीं कोसी बराज बॉर्डर पे ही एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा एक्सचेंज कराने को। दोस्तों, आपको रास्ते में 2-3 पेट्रोल पंप मिलेंगे, तो आप कोशिश करना कि वहीं पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि फिर आपको पहाड़ों के ऊपर बस एक पेट्रोल पंप मिलेगी, वो भी दूर जाकर। एक फिकल जगह है वहाँ। दोस्तों, तो चलिए हम रास्ते का एंजॉय करते हुए चलते हैं, आप भी हमारे साथ रास्ते का मज़ा लीजिए। दोस्तों, अगर आपको सिम कार्ड लेना है तो आप या तो कोसी बराज बॉर्डर पे ले लें, या तो एक इटहरी जगह आती है, आप वहाँ भी ले सकते हैं। आपको कोसी बराज में थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे सिम कार्ड वैसे। हम लोग यहाँ लंच करने के लिए रुके थे, काफ़ी महंगा बट टेस्टी था खाना वहाँ का। दोस्तों, ये है सेल्फी रोड, जो रास्ते में पड़ती है। यहाँ आप जाकर फोटो क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बस आपको पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं दूर से पहाड़ दिखनी शुरू हो गई है। दोस्तों, हम जैसे जैसे पहाड़ के नज़दीक आ रहे थे, उतनी हमारी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि हम सब पहली बार हिल स्टेशन जा रहे थे, सिवाय मेरे हस्बैंड के, वो पहले भी जा चुके हैं कहीं और। इस टाइम हम रेनी सीजन में आए थे, इसलिए हमें बहुत कुछ परेशानी भी हुई थी। सो आप वैसे तो रेनी सीजन में ना जाए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ भी ऐसा देखने को मिलेगा नहीं सही से। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि रेनी सीजन में भी एक अलग मज़ा है वह पहाड़ों पे जाने में। और ये हम पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर दिए थे। सच बताऊँ तो फर्स्ट टाइम डर बहुत लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत थी। और अब हम कन्याम पहुंच चुके हैं, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि बारिश हो रही थी और हमें होटल पहुंचना था, और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था यहाँ। हमने कहाँ और कौन सी होटल लिए, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।